दोस्तों, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों की जड़ों की भी बैंड बजना शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है ठंडी बर्फीली हवाओं की वजह से, क्योंकि हमारी स्किन और हमारी स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होने लगती है। और ये डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ड्राई डैंड्रफ हो या फिर एक्जिमा हो या फिर सोराइसिस की समस्या हो, ये बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और ऐसे समय पर हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड तो हो ही, साथ ही साथ बहुत कम समय के अंदर ही हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देते। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कुछ घर में ही अवेलेबल ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे इन सर्दियों के अंदर, तो ये सर्दियां आपकी बहुत आराम से निकलेंगी, आपकी स्कैल्प में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी स्कैल्प आपको बहुत सारा थैंक यू भी कहने वाली है। सो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, इन टिप्स को जरूर इस्तेमाल करना है एंड आप देखेंगे कि आपकी स्कैल्प की कंडीशन इन सर्दियों में पिछले कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर होती जा रही है एंड बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले, अगर वीडियो पसंद आ रहा है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दें, एंड चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दें। सर्दियों की कंडीशन आते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी स्कैल्प के ऊपर इस तरह की एक पपड़ी नुमा एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, ये एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होता है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ने लगती हैं, हवाओं के ठंडे होने लगते हैं और ये ठंडी हवाएं हमारी स्कैल्प के अंदर बहुत तरह के इन्फेक्शंस पैदा करना शुरू कर देती हैं। कंडीशंस उन लोगों के लिए और ज्यादा खराब हो जाती हैं जिनको ऑलरेडी एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम रहती है। सो यहां पर सबसे पहली जो टिप आपके लिए काम करती है वो है टी ट्री शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, उस शैम्पू के अंदर अगर आप अरोमा ऑयल्स में से एक बेहतरीन ऑयल टी ट्री ऑयल अगर आप मिला लेते हैं, तो ये टी ट्री ऑयल अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रूवन फंगल इन्फेक्शंस को खत्म करने वाला है और ये आपकी स्किन के अंदर जाकर के आपकी स्किन के अंदर जो फंगस आपको परेशान कर रहा है उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कि टी ट्री ऑयल को अपने शैम्पू के अंदर डाल लें। अब आपका सवाल आता है कि सर कितना डालना है ये तो बताइए। सो अगर आप 1 टेबल स्पून मतलब लगभग 5 से 7 ग्राम के आसपास शैम्पू इस्तेमाल करते हो, तो उसके अंदर 4 से 5 बूंदें अगर आप टी ट्री ऑयल की डाल लेते हो, अच्छे से मिक्स कर लेते हो और उस शैम्पू से अपने बालों को अगर हेड वॉश करते हो, अपनी स्कैल्प को वॉश करते हो, तो आप देखोगे कि आपके बाल बहुत आसानी से उस इन्फेक्शन को खत्म कर पा रहे हैं। आपके बालों के अंदर जो लंबे समय तक खुजली चलती रहती है, पूरा टाइम आपका हाथ आपके सर में रहता है, आपको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है, वो सब कुछ इस टी ट्री ऑयल की एक छोटी सी बॉटल से खत्म हो जाने वाला है। ये हमेशा याद रखो कि जब भी आप टी ट्री ऑयल परचेज करते हो, मेक श्योर कि आप प्योर अरोमा ऑयल यूज करो, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि अरोमा ऑयल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग हमें फेक अरोमा ऑयल्स बना करके दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप स्किन अफेयर्स के जो प्योर अरोमा ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल करो। इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग आता है दोस्तों, वो आता है एप्पल सिडर विनेगर का टोनर लगाना है। एप्पल सिडर विनेगर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्रूवन एक इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज्यादा मदद करता है फंगस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, एंड साथ ही साथ ये हमारी स्कैल्प की कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प के अंदर जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जब हमारी स्कैल्प की पीएच को मेंटेन हम कर लेते हैं, तो अपने आप हमारी स्कैल्प की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसे बनाना कैसे है, तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 2 से 3 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर मतलब सेब से बना हुआ सिरका। इसके अंदर मिलाना है लगभग आधा ग्लास पानी और इन दोनों को अच्छे से मिला करके कॉटन बॉल की मदद से हमें अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने फोटोग्राफ में यहाँ दिखाया है, एक स्प्रे बॉटल में डाल करके भी अपने बालों की जड़ों में आप स्प्रे कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रूवन एक रेमेडी है, जिसे अगर आप रात को करके सोते हैं और सुबह तक के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि सुबह आपके स्कैल्प से काफी हद तक फंगस जो है वो खत्म हो चुका है, आपकी स्कैल्प के अंदर जो खारिश थी, जो खुजली थी, जो आपको इन्फेक्शन हो गया था, वो भी काफी हद तक आपका कंट्रोल हो गया है। सो मेक श्योर इस स्टेप को भी जरूर एक बार आप ट्राई जरूर दें।
तीसरा टिप आता है दोस्तों, एलोवेरा जूस। स्टडीज में भी ये देखा गया है और हम पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं कि जो एलोवेरा जूस है वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट एक हर्ब है, जो कि ना सिर्फ हमारी स्कैल्प को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देती हैं, बल्कि साथ के साथ में ये एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज भी देती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड्स का पेनिट्रेशन होता है, विटामिन का पेनिट्रेट होता है, एंड फैटी एसिड्स का भी पेनिट्रेशन होता है, जिससे हमारी स्कैल्प के अंदर जमा जितना भी इन्फेक्शन होता है वो इलिमिनेट होता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, और हमारी स्कैल्प के अंदर जो ड्राइनेस है वो भी कम करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो इसे लगाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहो तो एलोवेरा का एक फ्रेश लीव ले लो, उस लीव को भी अपने बालों की जड़ों में जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है बिल्कुल वैसे आप रब कर सकते हो, और अगर आप इसे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हो, आप मार्केट का भी ले सकते हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, थोड़ा पतला कर लीजिए उसको, और अपनी स्कैल्प में कॉटन की मदद से लगा करके 1 घंटे के लिए या फिर कम से कम 20 मिनट के लिए जरूर छोड़ दो, और उसके बाद आप इसे वॉश कर लो। जब आप इसे वॉश कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्कैल्प के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देने में आपकी मदद करेगा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार अगर आप इस टिप को कर लेते हो तो ना सिर्फ आपकी स्कैल्प की कंडीशन अच्छी होती है, बल्कि आपके जो बालों की ड्राइनेस है वो भी खत्म होती है, और आपके बाल आपको धीरे धीरे थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबका फेवरेट जो सर्दियों के अंदर हमारे स्किन को, हमारी स्कैल्प को बहुत अच्छा करता है, वो आता है योगर्ट, मतलब दही। दही के अंदर बहुत सारा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस हमारी स्किन की कंडीशन को, हमारी स्कैल्प की कंडीशन को इंप्रूव करता है, हमारी स्किन की स्कैल्प की ड्राइनेस को खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्कैल्प को ड्राइनेस होने से बचाता है, और इसके साथ अगर हम एग मिला दें तब तो कहने ही क्या। तो इस रेमेडी को करने के लिए हमें चाहिए एक एग पूरा, व्हाइट एंड येलो दोनों हिस्से, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर अनफ्लेवर्ड योगर्ट मतलब दही मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर मिलाएंगे शहद। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके अब बीट कर लीजिए, बढ़िया सा एक फ्रॉदी सा एक क्रीम बन जाएगा, और इस क्रीम को अब आप एक कंडीशनर की तरह अपने बालों की जड़ों में, अपने बालों के एंड्स में अच्छे से लगाइए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और 1 घंटे के बाद जब आप इसे हल्के से ठंडे पानी से वॉश करोगे तो आप देखोगे कि आपके बालों में भी चमक आ गई है, आपकी स्कैल्प भी बहुत अच्छे से ब्रीद करने लगी है, और आपकी स्कैल्प के अंदर जमा जितना भी डैंड्रफ था, फंगल इन्फेक्शन था, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और आपकी स्कैल्प की कंडीशन अब धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। So, दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको मददगार साबित होंगी डेफिनेटली इन सर्दियों में आपकी स्कैल्प की कंडीश्योन को इंप्रूव करने के लिए। सो मेक श्योर अपनी सुविधा के हिसाब से इन चारों में से जो भी आप यूज करना चाहते हैं टिप आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि इन वीडियोज के अंदर जो हम टिप्स आपको देते हैं वो आपको कितना मददगार साबित होते हैं और आपकी प्रॉब्लम को कितना कम करने में उन्होंने आपको मदद की है। दोस्तों अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर हमें फॉलो करते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।